अब तो ट्रांसफर्स का सीजन है तो ट्रांसफर्स के ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ और भी उसके आ रहे हैं। एक को आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, किसी को कोई नौकरी की ज़रूरत थी, पर ज़्यादा ट्रांसफर के स्थानांतरण चाहने वाले विभिन्न विभागों में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। स्थानांतरण अगर क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनके वाजिब हैं, परेशानी है, तो निश्चित रूप से उनकी इस काम के अंदर मदद करेंगे। इस बार सारे ट्रांसफर स्थानांतरण हम विधायकों को कहने से हुए ना, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के खुले निर्देश हैं कि हमारा अपना कार्यकर्ता, हमारा अपना मंडल का अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष, अगर उनके कोई भी अपने लोग हैं या कोई भी वो समाज हित में काम करते हैं या कोई भी इलाके के हित में काम करते हैं, तो जिनकी रिकमेंडेशन वो भेजते हैं, वो क्राइटेरिया में आए तो उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को प्रायोरिटी सुना जा रहा है। लेकिन इससे पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आप लोगों की यही आरोप होते थे कि कांग्रेस इस तरह विधायकों की अनुशंसा पर ट्रांसफर करती है, तो ये सही है? देखो, ये तो इस देश के अंदर तो ये चीज़ मिट नहीं सकती, इसको चाहे आप अदरवाइज लें या सही लें। हर आदमी काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, कार्यकर्ता ही पार्टी को लाता है, कार्यकर्ता के कारण ही पार्टी सत्ता में आती है, तो उसकी अपेक्षाएं तो होती है। तो निश्चित रूप से हमारे राज में ये सबको साथ लेके चलते हैं। कांग्रेस के राज में केवल कांग्रेसीकरण होता है। हमारे यहाँ तो कांग्रेस के भी हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं, जो मेरिट में आ रहे हैं उनके भी हो रहे हैं, जो डिजर्व परेशानी है उनकी परेशानी को दूर किया, सबको सब किया जा रहा है। सर, उनकी अपेक्षाएं कैसे हो रही है, परंतु जो उपेक्षा रहती है जिन लोगों की, उनका क्या ख्याल है? उपेक्षा वालों को ही ज़्यादा हम तरजीह दे रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वसुंधरा जी का खुला कहना है कि जो वाकई में पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित हैं या कोई और परेशानी है, एकल महिला है या विधवा है, महिलाओं पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या बहुत दिनों से कहीं बाहर बैठे हुए जिनको 20-20 साल से अपने घरों से दूर है, तो उनकी समस्या का निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी पार्टी के, उनकी समस्या का समाधान जरूर। तो कांग्रेस विधायकों से भी डिजायर, ये तो मंत्रियों से पूछेंगे, मैं मेरे विभाग में तो मैं किसी से डिजायर मांग नहीं रहा हूँ, केवल ये कह रहा हूँ जो इच्छित लोग हैं वो लिया हमें। कांग्रेस वालों के कहने से मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस वाले लोग इसमें स्थानांतरण व्यापार करते हैं, तो मैं उन पर विश्वास नहीं करता। जब उनके समय में था तो उन्हीं के ट्रांसफर होते थे, जो उनके लोग उनको पैसा दिल्ली दे देते थे। आप खुद भी कांग्रेस में रहे, क्या तभी भी ऐसा होता? नहीं, मैं जब कांग्रेस में रहा था, बहुत पुरानी बात है, तभी ट्रांसफर मैं किसी को जानता नहीं, और दिल्ली से आके चुनाव लड़ा था, तो मैं तो टेम्परेरी रहा था, उसके बाद परमानेंटली मैं तो 96 में बीजेपी ज्वाइन की, 96 में ही संघ का कार्यकर्ता बना, तब सब तक निभा रहा।